बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम मालपुए की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। मालपुआ बनाने के लिए हमें ये सब चीजें चाहिए। यहाँ पर हमने एक कप मैदा लिया है, एक कप पिसी हुई शक्कर, एक कप दूध, तीन अंडे, टू पिंच बेकिंग सोडा, वन पिंच कलर, यहाँ पर मैं येलो फूड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ, वन टेबल स्पून इलायची पाउडर, एक कटोरी दूध। पहले हम अंडों को इस बाउल में निकाल लेते हैं। हमें तीनों अंडों को बाउल में निकाल लेना है। अब हम इसमें ये शक्कर को ऐड करेंगे। हमें शक्कर और अंडों को ऐसे मिक्स करते हुए फेंट कर ले लेना है। अब हम इसमें बेकिंग सोडा, फूड कलर और इलायची पाउडर ऐड कर लेते हैं और इसे मिक्स करके ले लेते हैं। इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर लेते हैं और इसको मिक्स करके ले लेते हैं। अब हम इसमें ये मैदा ऐड कर लेते हैं। मैदा ऐड करने के बाद अब इसे हमें मिक्स करके ले लेना है। ऐसे मिक्स करते हुए हमें इसका बैटर बनाकर ले लेना है, लम्स फ्री बैटर बनाकर ले लेना है। मालपुआ बहुत टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। अगर आप ऐसे तरीके से मालपुए बनाएंगे तो आपके मालपुए बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होंगे। मोहम्मद अली रोड पर जिस तरह से मालपुए मिलते हैं, बिल्कुल उसी तरह का टेस्ट ये मालपुए में आएगा और वो लोग भी इसी तरह से मालपुआ बनाते हैं। तो ये बैटर बनकर रेडी है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए ढक कर रख देते हैं और इधर रबड़ी बनाकर ले लेते हैं। तो चलिए रबड़ी बनाकर तैयार कर लेते हैं। रबड़ी बनाने के लिए हमें ये सब चीज़ें चाहिए। आधी कटोरी दूध पाउडर का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास खोया हो तो या फिर मावा हो तो आप दूध पाउडर को स्किप भी कर सकते हैं। दूध पाउडर के बदले में आप खोए का इस्तेमाल कर सकते हैं। शक्कर 2 टेबल स्पून। यहाँ पर हम एक कटोरी मलाई वाला दूध ले रहे हैं। 1 टेबल स्पून इलायची पाउडर, काजू बादाम पिस्ता, यहाँ पर हम थोड़ा काजू बादाम पिस्ते को क्रश करके ले लिए हैं। बर्तन में दूध ऐड करके गैस पर रख दिया है। अब हम इसमें ये मिल्क पाउडर ऐड कर लेते हैं, थोड़ी सी शक्कर ऐड कर लेते हैं, इलायची पाउडर ऐड कर लेते हैं, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लेते हैं और थोड़े ड्राई फ्रूट्स हमें गार्निशिंग के लिए रखना है। इसको ऐसे मिक्स करते हुए हम रबड़ी पका कर ले लेते हैं। अगर खोया और मावा ना हो तो उसके बगैर भी हम ऐसे इंस्टेंट रबड़ी बनाकर तैयार कर सकते हैं अपने घर पर। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इसको अच्छे से गाढ़ी रबड़ी बनाकर तैयार कर लेते हैं। मालपुआ रबड़ी बनकर तैयार हो गई है। ऐसी गाढ़ी रबड़ी बनाकर हमें मालपुए के लिए ले लेना है। अब हम इसको निकाल कर ले लेते हैं। हमने एक पैन को गैस पर रख दिया है गर्म होने के लिए। अब हम इसमें घी ऐड कर लेते हैं। मैं यहाँ पर घी का इस्तेमाल कर रही हूँ मालपुए बनाने के लिए। आप तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने रबड़ी बनाकर तैयार करके ले ली है। बैटर रेडी हो गया है। अब हम इसके मालपुए बनाकर तैयार कर लेते हैं। घी गर्म हो गया है। अब हम इसमें मैं एक चम्मच बैटर लेती हूँ और ऐसा इसमें डालती जाऊंगी। हमने यहाँ पर घी पुए का बैटर डाल दिया है। अब थोड़ा सा इसे 1 से 2 सेकंड ऐसे ही घी में रखेंगे, फिर इसे पलट देंगे। ऐसे हमें आहिस्ता से मालपुआ पलट कर ले लेना है। फिर से पलट लेते हैं। दोनों साइड से फ्राई करने के बाद अब हम इसको निकाल कर ले लेंगे। अब हम इसको निकाल कर ले लेते हैं। हमने यहाँ पर मालपुए को फ्राई करके ले लिया है। अब हम दूसरे भी मालपुए फ्राई करके ले लेते हैं। ऐसे गरम घी में हमें मालपुए डालकर फ्राई कर लेना है। एक साइड से होने के बाद हम मालपुए को पलट कर ले लेते हैं। ये एक साइड से हो गया है। अब हम इसको पलट कर ले लेते हैं। मालपुआ बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको निकाल कर ले लेते हैं और सारे मालपुए ऐसे ही बनाकर तैयार कर लेते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मालपुआ बनकर रेडी हो गया है।
ये बिल्कुल मोहम्मद अली रोड जैसा मालपुआ बना है, आप लोग इसे जरूर ट्राई करें। ये देखिए, थोड़ा सा सॉफ्ट, थोड़ा सा क्रिस्पी, बहुत मजेदार बनकर तैयार हुआ है। और ये रबड़ी भी बनकर तैयार है। ये जो रबड़ी बनाकर हमने तैयार की थी, हम इसे रबड़ी से सर्व कर लेते हैं। इसके ऊपर रबड़ी ऐड कर लेते हैं। और इसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लेते हैं, जो हमने क्रश करके रखा था, काजू बादाम पिस्ता। तो लीजिए, बनकर तैयार हो गया है मालपुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन बना है। आप इस रमज़ान में इसे ज़रूर ट्राई करें, इफ्तार में बनाएं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी रेसिपी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इफ्तार की दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।